हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला जिसका नाम है दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स दोस्तों वी लुकअप का भी बाप है, क्योंकि इससे ना बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो आप लोग। कैसे, मैं आप लोगों को आज करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे डेटा पे, यहाँ मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, एम्प्लॉय कोड और सैलरी। दोस्तों ये तीन कॉलम मैंने यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आप लोग बना सकते थे, काफी सारे कॉलम होते हैं वैसे ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाएंगे ना इंडेक्स, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है ना, वो डेटा के बीच में आ रहा है और हमसे कहा जाता है कि इस एम्प्लॉय कोड का नाम और सैलरी आप हमें ला करके दो। तो वी लुकअप दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और आपको आंसर ला करके नहीं देगा, क्योंकि वी लुकअप जो पढ़ता है ना दोस्तों, वो लेफ्ट साइड से पढ़ता है डेटा को और अपनी लुकअप वैल्यू को हमेशा डेटाबेस में लेफ्ट साइड रखता है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, हमारी लुकअप वैल्यू बीच में रहेगी और बीच से ही मैं डेटा को उठाऊंगा। कैसे, देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इक्वल लगा करके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ लगाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स लगा करके ना दोस्तों आपने यहां इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा पढ़ लेना है। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों एरे। एरे का मतलब क्या होता है, पूरा डेटाबेस। यानी आपको क्या करना है ना दोस्तों, पूरे डेटाबेस को ना सेलेक्ट कर लेना है आपको, बस यहां से पूरा डेटाबेस यहां से सेलेक्ट कर लेना है, बस इतना करना है दोस्तों आप लोगों को। इतना करने के बाद आपने क्या करना है ना, आपको इसे फ्रिज़ कर देना है दोस्तों। यहां पे मैं F4 की हेल्प से इसे लॉक कर देता हूं। अगर आप लोगों को फ्रिज़ करना नहीं आता दोस्तों, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है। कोमा लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे। आप कोमा लगा करके ना आप यहाँ पे देखेंगे आपसे मांग रहे हैं रॉ नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए आप मैच, और मैच लगा करके दोस्तों आप इसे कहिए कि आपको इस कोड की डिटेल उठानी है। ओके, अब आप कोमा लगाएं दोस्तों, और यहां से अपने पूरे जो आपका लुकअप वैल्यू ये मांग रहे हैं दोस्तों, अपने एम्प्लॉय कोड की ना पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से बस। अब आपने दोस्तों इसे फ्रिज कर देना है F4 से। यहां दोस्तों इसे फ्रिज कर दिया मैंने F4 की मदद से। अब कोमा लगाना है दोस्तों, यहां पे पीछे जीरो रख देना है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज, बस। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसके पीछे एक बार और लगा देना है मैच। अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त बनता जा रहा है आप लोगों के लिए। अब क्या करना है ना दोस्तों, आपने यहाँ पे बताना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जिसे आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो, यानी मैच हेडर से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना दोस्तों, नाम को बना दिया यहाँ पे लुकअप वैल्यू अपना मैच का, और कोमा लगा करके मैं यहां से करा देता हूं इसको मैच। बस सिंपल इतना करना है दोस्तों आपको, इसे कर देना फ्रीज, कोमा लगा के जीरो, ब्रैकेट क्लोज, बस काम खत्म। दोस्तों आपने क्या करना है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, इंडेक्स लगाया और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने रॉ नंबर बताया जहां पे लुकअप वैल्यू अपनी आईडी को बना ली दोस्तों, और उसके बाद ना उसका जो हमारा कॉलम था ना पूरा, वो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों मैच में। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में सब कुछ समझा रखा है दोस्तों आप लोगों को। अब अपने ना थोड़ी सी फ्रिजिंग और करनी है, बस थोड़ी सी फ्रिजिंग करनी है दोस्तों आपको। यहाँ पे क्या करना है, जो आपका ये आपने सेलेक्ट किया था ना मैच में लुकअप वैल्यू, इसके आगे ना दोस्तों यहाँ पे आपको लगा देना है एक डॉलर। क्यों लगाना है दोस्तों, ये मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को, ये मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। आप लोग यहां से डॉलर लगा देंगे ताकि हमारा कॉलम आगे मूव ना हो। अब सॉरी, यहां पे मैंने कॉलम के आगे यहां पे लगाया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही आपको यहां पे क्या करना है ना दोस्तों, इस जगह पर सेकेंड वाले में आपने ना रॉ पर लगा देना है डॉलर, बस दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसे बना लेंगे पूरे फॉर्मूले को। बस अभी कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस आईडी का नाम ला करके आपको दे देगा। आप देखेंगे आपकी आईडी जो बीच में थी, वो उसका नाम यहाँ आ चुका है। आप इसे पकड़ के दोस्तों ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और नीचे भी ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से, आपका सारा डाटा आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसे ही नोटिफिकेशन लेने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।